भाई आपको तो पता है घी का कितना बड़ा पुजारी हूं मैं, तो अगर मैं सरसों के तेल से शुरुआत कर रहा हूं तो रेसिपी दमदार होगी। चलिए गेस करिए रेसिपी कौन सी है। ब्रेक के बाद बताऊंगा मैं, पर यहां ब्रेक नहीं है ना इसलिए बता देता हूं। नहीं, अभी वो म्यूजिक आएगा ना, वो कुक विद रणवीर का, उसके बाद बताऊंगा। चलो भाई म्यूजिक चालू करो। कॉलिंग एंड एक्शन। रोगन जोश मतलब एक ऐसी डिश जिसके नाम में डिश है और डिश में नाम है। रोगन जोश, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। और रोगन जोश की कहानी के लिए, कश्मीर की कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक मिथ मैं पहले ही तोड़ना चाहता हूँ कि रोगन जोश जो है वो मुगलिया खाने से इंस्पायर्ड है या मुगलई कुकिंग से इंस्पायर्ड है। इट इज़ नॉट। कश्मीरी वाजवान भी मुगलई कुकिंग से इंस्पायर्ड नहीं है। मुगलों ने कश्मीर से लिया है। जब जहांगीर गए तब वो इंटरेक्शन हुआ जहां कश्मीर से कुछ लिया गया। कश्मीर को जो दिया है वो सिल्क रोड ने दिया है। वेलकम बैक। तो जी हम बना रहे हैं कश्मीरी रोगन जोश। और जिसने भी आपको ये बताया था कि कश्मीरी रोगन जोश घी में बनता है, उनको शुक्रिया बोलिएगा कि आपने इतने सालों तक हमें गुमराह किया, उसके लिए शुक्रिया। और जिन्होंने भी आपको ये बताया था कि कश्मीरी रोगन जोश में ये लौंग है जो आवाज़ कर रहे हैं, देखिए। और जिन्होंने आपको बताया था कि कश्मीरी रोगन जोश में टमाटर पड़ते हैं, उनको भी बोलिएगा शुक्रिया, आपने हमें इतने सालों से गुमराह किया। और जिन्होंने भी आपको ये बताया था कि कश्मीरी रोगन जोश में बहुत सारा रस्सा होता है, बहुत सारी ग्रेवी होती है, उनको भी बोलिएगा शुक्रिया कि उन्होंने आपको इतने साल तक गुमराह किया। भाई कश्मीरी रोगन जोश जो है ना, वो किसी भी वाजवान की कंपलसरी डिश है। और बनाने के दो तरीके हैं, एक जो है वो है हिंदू स्टाइल से, कश्मीरी पंडित स्टाइल से, और एक है कश्मीरी मुस्लिम स्टाइल से। तो जो कश्मीरी पंडित स्टाइल है ना, वो बनाते हैं। और कश्मीरी पंडित स्टाइल और कश्मीरी मुस्लिम स्टाइल में क्या फर्क है ये आपको बताएंगे श्री श्री रणवीर। यू नो द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीरी पंडित्स फॉर मी इज एन एक्सट्रीमली रोमांटिक सागा। कि किस तरह जो है, कुछ लोग कहते हैं कश्मीर का नाम कश्मीर इसलिए पड़ा क्योंकि कुश के डिसेंडेंट्स हैं कश्मीरी पंडित, जिन्होंने कश्मीर को बसाया और पहले कश्मीर था फिर कश्मीर हो गया। लेकिन वो हिस्ट्री बड़ी फैसिनेटिंग है। किस तरह मौसम को देखते हुए उन्होंने कुछ चीज़ें तो अपना ली, जैसे मटन खाना तो अपना लिया, लेकिन फिर भी अदरक नहीं छुआ, लहसुन नहीं छुआ, हर वो नई चीज़ जो बाद में आई, चाहे वो टमाटर हो, वो नहीं छू। और अपने खाने में चिकन भी नहीं डाला। इज नॉट अमेजिंग। एंड टुडे यू नो, जस्ट एज यू टर्न बैक बुक्स ऑफ कश्मीरी फूड, वो जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम खाने में एक खूबसूरत मेल है, वो बड़ा अमेजिंग है। इट्स लाइक टू पैरेलल रोड्स यू नो रनिंग टू ईच अदर एट द सेम पेस, और कहीं कहीं वो मिलती हैं और कहीं कहीं वो क्रॉस कर जाती हैं। एंड फॉर मी दैट्स द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कि हर चीज़ के जो दो खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन है ना, द कश्मीरी मुस्लिम फूड एंड द कश्मीरी हिंदू फूड, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। एंड एवरी टाइम आई सी अ कश्मीरी रेसिपी आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स मेड अक्रॉस बोथ जॉनर्स, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। देखिए वाजवान चाहे कश्मीर में कहीं भी हो, चाहे हिंदू घरों में हो या मुस्लिम घरों में, रोगन जोश तो बनना ही बनना है। सात ऐसी डिशेज होती हैं जो कि बनती ही बनती हैं, और रोगन जोश उसमें से एक। और रोगन जोश जो है ना, वो पहले पहले आती है डिश, तो उसमें जो जो वाजा होता है, जो चीफ वाजा होता है, वो बेस्ट कट्स डालता है मीट के। तो रोगन जोश में जो है वो रिब्स जाती हैं, रान जाती है पीछे की, शोल्डर नहीं जाता, रान जाती है, पुट जाता है, और वो मीट जाता है जिसमें चर्बी ज़्यादा नहीं होती। और उसके बाद वाले जो वाजवान की डिशेज होती है ना, फिर उसमें अलग अलग तमाम के कट्स जाते हैं, बट यू कह लीजिए प्राइम कट्स जो है ना, जो अच्छे वाले कट्स हैं, वो
रोगन जोश में ही जाते हैं। तो ये मटन को लिया पका, मतलब पकाना क्या है, अभी तो भूना ही, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा दही लेना है। एक्चुअली जो कश्मीरी पंडित है ना, वो मौसम की मजबूरी की वजह से नॉनवेज तो खाते हैं, लेकिन अदरक लहसुन अभी भी नहीं खाते, तो उनके नॉनवेज खाने में भी अदरक लहसुन नहीं पड़ता, तो वो अदरक लहसुन को बैलेंस करने के लिए हींग डालते हैं। दही में केसर, सौंठ, सौंफ, थोड़ा सा हींग, सौंठ ज़्यादा सौंफ कम, और कई घरों में तो सौंफ डाली नहीं जाती, सिर्फ सौंठ ही डाली जाती है रोगन जोश में, और कश्मीरी मिर्च पाउडर। कश्मीरी मिर्च लेके, अगर आपको कश्मीरी मिर्च मिल रही है तो कश्मीरी मिर्च लेके उसके बीज निकाल के और फिर उसको पीस के और फिर इस्तेमाल करें। और ये रहा मटन स्टॉक, इसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि मसाले जो हैं वो जले ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय ब्रेकिंग अ मिथ। वाजवान की बात करें तो वाजा की बात करना ज़रूरी है, और वाजा दे आर द किंग्स ऑफ कश्मीर, यू नो, क्योंकि अगर वाजा नहीं होते तो कश्मीरी खाना नहीं होता, वाजवान नहीं होता, और कश्मीरी खाने का वो रोमांटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। और इस केस में बहुत लोगों की थ्योरी है दैट द वाजाज वर इंस्पायर्ड बाय द मुगल्स, या वाजाज जो है वो एक्चुअली मुगल्स के कुक्स थे, बट इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज कश्मीर का जो इतिहास है वो मुगलों से बहुत पुराना है, और कश्मीर का जो इन्फ्लुएंस है वो सिल्क रोड से ज़्यादा है, यानी कि पर्शियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, टर्किश ऑटोमन इन्फ्लुएंस है, ऑटोमन से पहले सेल्चुक इन्फ्लुएंस है, और इधर से ताशकंद, समरकंद का सदर्न चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, लेकिन हिंदुस्तान से काफ़ी हद तक कश्मीर काफ़ी समय तक, आज के हिंदुस्तान से काफ़ी समय तक कटा हुआ था, और इसके लिए कश्मीर ने मुग़लों को दिया है, मुग़लों से लिया बहुत कम। जहांगीर के बाद बहुत सारे मुग़ल खाने जो है वो कश्मीर के इंग्रेडिएंट से और वहाँ की रेसिपीज से इंस्पायर हुए। सो कश्मीर इज़ ओनली गिवन टू द मुग़ल्स, इट हैज़न्ट टेकन एनीथिंग। देखो जी, ये अब छोड़ दिया इसने घी, अब मसालों की खुशबू भी आ रही है, सौंफ भी आ रही है, सौंठ भी आ रही है, खड़े मसाले भी आ रहे हैं, तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा मटन स्टॉक, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है, पंजाबियों वाला काम नहीं करना, ठीक है। और अब इसको लगा देना ढक्कन, और इसके बाद इसको देना है पकने। तो अब रोगन जोश में, वैसे तो कश्मीरी लाल मिर्च से बड़ा जोश आ जाता है, बड़े लाल हो जाता है उसका रोगन, लेकिन असल में उसको लाल करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है। एक्चुअली एक चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो है मवल। मवल यानी कि एक फूल होता है ना, वो कॉक्सकूम, मतलब मुर्गे के सर पे वो कलगी होती है ना, वैसा फूल होता है लाल रंग का, तो वो फूल होता है। और दूसरा ये रतन जोत, रतन जोत जो है ना, इसे रतन जोग, रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है, सब जगह मिलती है। ये एक पेड़ की छाल होती है, इसका रंग एकदम लाल होता है, तो ऐसे ये मासूम सी लग रही है ना, देखिए यहाँ पे कितनी मासूम लग रही है, अब इसकी मासूमियत दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी मासूमियत निकालते हैं अभी, थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हुई ना मासूमियत, देखा कितना मासूम है रतन जोग, रतन जोत। ये रंग जो है, ये है वो जोश जो हर कोई रोगन जोश में ढूंढता है, टमाटर से नहीं आता ये रंग। और ये रंग जो है ज्यादातर तो घी में ही छूटता है या तेल में ही छूटता है, पानी में आप इसको उबालेंगे ना रंग तो छूट जाएगा, लेकिन ऐसा मजा नहीं आएगा। फिर रोगन जोश की जो खूबी है ना, वो ये है कि रोगन जोश के नाम में डिश है और डिश में नाम है, क्योंकि रोगन में जोश है तो रोगन जोश है, और द डिश रिप्रेजेंट्स द नेम एंड द नेम रिप्रेजेंट्स द डिश, एंड दैट्स व्हाट आई फाइंड द ब्यूटी ऑफ इट। एंड अनदर मिथ दैट वी नीड टू ब्रेक व्हेन इट कम्स टू कश्मीरी फूड इज कश्मीरी चिली मिथ। यू नो, हम लोग हर जगह कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देते हैं, मैं भी डालूंगा इस रेसिपी में, या
डाल चुका हूँ इस रेसिपी में। जो कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कश्मीर में पाउडर के तौर पर बिल्कुल नहीं होता, वो मिर्च ली जाती है और मेरे जैसे असिस्टेंट पहले मिर्च के बीज निकालते हैं, फिर उसको भिगो के उसको पीसा जाता है और पीस के छाना जाता है ताकि मुंह में रेशा बिल्कुल ना आए। और एक ही किस्म की मिर्च होती है कश्मीर में, उसी मिर्च का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो है ना, ये कश्मीरी मिर्च, सौंफ, सौंठ और वो शाह जीरे, यानी कि जो जो शाही जीरा इसे हम बोलते हैं, काला जीरा, उसका कॉम्बिनेशन इज़ व्हाट रियली डिफाइन्स कश्मीर। इट इज़ व्हाट रियली मेक्स कश्मीरी फूड फॉर मी एटलीस्ट। सच अ रोमांटिक स्टोरी, इज़न्ट इट। अब अगर आपको रंग देखना है ना जोश का, जो रणवीर ने ज़्यादा जोश में जोश से परिपूर्ण कर दिया, वो देखिए, ये देखिए आप। देखो जी, करते करते भी मैंने पंजाबी स्टाइल में ग्रेवी ले ही आया। मैं इतनी ग्रेवी कश्मीर में नहीं होती है। गोश्त अच्छा पका है लेकिन एकदम हड्डी छोड़ रहा है, देखिए। आह, लुक एट दिस कलर। ये ना, ये वैसी डिश है कि जब तक बनाओ नहीं तब तक यकीन नहीं आता कि इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है। पड़ा तो कुछ भी नहीं, बड़ी इतनी टेस्टी, यकीन नहीं आता तो बना के देख लिए। और मुझे अभी भी यकीन नहीं कि आपने सब्सक्राइब किया। यकीन दिलाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।